हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। हम आज आपके लिए लेके आए स्लश मशीन, जिसको बोलते हैं गोला मशीन, स्लश मशीन, आइस स्लश मशीन, बर्फ के झोल की मशीन, शरबत वाला बर्फ के झोल की मशीन, बहुत सारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। वो सबसे मशीन लेके आए हैं दो फ्लेवर की स्लश मशीन, डबल फ्लेवर है, इसके अंदर दो बाल है, बाउल है। हमने पहले वीडियो अपलोड किया वन फ्लेवर की, ये अभी हमने दो बाउल की स्लश मशीन लॉन्च की है। ये इसकी पूरी डॉम्बी पैकिंग, वुडन बॉक्स पैकिंग है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैकिंग है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी की मशीन है, दो बाउल रहेंगे इसके अंदर। हम इसको आज आपको ओपन करके, इसको ऑपरेट करके, टेस्ट करके, इसके अंदर स्लश बना के सब आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस देंगे। तो वीडियो को पहले से लेके एंड तक देखिए, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फ्लेवर कैसे बनाना है, फ्लेवर कैसे डालना है, कौन सा फ्लेवर लगाना है, इसके अंदर हर एक जानकारी आपको इसमें उपलब्ध होगी, ये जानकारी ये वीडियो के अंदर, ठीक है। और आपको सबसे पहले, आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे आपको रोज हमारी नई नई नोटिफिकेशन, हम क्या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हर एक जानकारी आपको इसके अंदर मिलती रहेगी, ठीक है। इसका बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, हम इसको ओपन करेंगे आज। ये देखिए पूरी मशीन, आप स्लश मशीन, दो बाउल है इसके अंदर, एक ये बाउल है, एक दूसरा बाउल है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की मशीन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की मशीन है। दोनों के कूलिंग प्लांट, कंप्रेसर, फंक्शन सब चीज अलग अलग दिया गया है। आप इसके अंदर कोई भी मैंगो है, पाइन एप्पल, लीची, ऑरेंज, गुलाब है, शरबत है, मिल्क शेक है, दूध की आइटम है, कोई भी इसके अंदर बना सकते हो फ्लेवर। और इसके अंदर से आइस का छोल, बर्फ का छोल करके निकलेगा, जिसमें आप जैसे अपना गोला खाते हैं तो गोले में कैसा, उससे भी एकदम स्मूथ, जैसे कि अपने स्नो रहता है, स्नो आप स्नो देखते हो गे, जो कितना हल्का और स्मूथ आइस रहता है, वो इस सब इसके अंदर स्नो ले लेंगे। हम आपको अभी पूरी मशीन को ऑपरेट करके, स्टार्ट करके पूरी बताएंगे, ठीक है। अभी हमने इसको मशीन को पूरा बॉक्स में से निकाल दिया है, और जो इसका वुडन बॉक्स है उसके ऊपर इसको रख दिया है फिलहाल, ठीक है। इसका ट्रेवर जारी है, जो ड्रेनेज है, जो बुनबुन अगर शायद गिरता है निकल लीजिए तो वेस्टेज इसमें चला जाएगा, नीचे कोई चीज खराब नहीं करेगा। यहाँ पे होल दिया गया है, वो कूलिंग का बटन है, जो कूलिंग का पानी रहता है वो टपक टपक जैसे बुनबुन रहता है इसके अंदर गिरेगा। इसको आपको इसे फिट कर देना है, यहाँ पे ये फिटिंग हो गया है, जिसका मीटर रहता है यहाँ पे मीटर को फिट कर देना है, ये फिट हो गया पूरा। इसका जो बाउल है यहाँ पे, इसका मैनुअल किट है, इसका वायरिंग है, वाइसर है, ओरिंग है, इसका ग्रीसिंग का किट है, ये सब चीज इसके अंदर डाला हुआ है। और इसका बुक भी है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना, अगर आपको ऑपरेट में समझ नहीं आता है कौन से टेम्परेचर से इसमें आइस बनेगा, क्या टेम्परेचर से जूस बनेगा, क्या टेम्परेचर से शरबत बनेगा, हर एक जानकारी इसके अंदर दिया गया है। कौन सा बटन दबाएंगे तो फ्रीजिंग होगा, कौन सा बटन दबाएंगे फ्रीजिंग बंद होगा, ये सब डिटेल इसके अंदर डाला गया है। नॉर्मली पहले मशीन का यहाँ पे मेन स्विच दिया गया है, यहाँ पे रेड कलर का मेन स्विच दिया गया है, देख सकते हो पूरा। ये दबाने से मशीन का स्टार्ट हो जाएगा, मशीन यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अभी अब देखिए दोनों डिस्प्ले स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मशीन के अंदर लाइट दिया गया, अगर मशीन के अंदर लाइट आपको स्टार्ट कर रहा है तो इसका स्विच अलग दिया गया है। यहाँ पे ये स्विच दबाने से मशीन में लाइट होगा, ये देखिए दोनों में लाइट स्टार्ट हो चुका है मशीन में। यहाँ पे क्या टेम्परेचर रखना है वो सब अभी हम आपको समझाएंगे। अभी हम इसके अंदर पहले इसको सादे नॉर्मल पानी से थोड़ा वॉश करेंगे, फिर इसके अंदर मटेरियल डालेंगे, ठीक है। अभी हमने इसमें वाटर डाल दिया, नॉर्मल वाटर वॉशिंग करने के लिए, अभी वो वाटर को निकालेंगे इसमें से। नॉर्मल वाटर निकल गया इसके अंदर से, ठीक है। मशीन को थोड़ी देर बंद कर देंगे। ये शरबत है, जो हर एक सिटी में मिलता है शरबत, इस टाइप का ये गुलाब का शरबत है, एक काला खट्टा का है। फिलहाल हमें टेस्टिंग के लिए चीज बना रही है, एक में गुलाब बनाएंगे, एक में काला खट्टा बनाएंगे, ठीक है। और आप इसके अंदर कोई भी मैंगो है, माजा है, फ्रूटी है, ऑरेंज है, पाइन एप्पल है, जूस है, डिक शेक है, मिल्क शेक है, मिल्क की आइटम भी बना सकते हो, वाटर वाली आइटम भी बना सकते हो, मिल्क वाले भी। बस फर्क इतना है आपको, अगर मिल्क वाली बनाते हो आइटम, या तो मशीन को चालू रखना है या एवरीडे आपको वॉश कर देना है।
वॉटर की चला रहे हो आप आइटम, तो उसको आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन कभी भी साफ कर सकते हो। मटेरियल इसमें अगर पड़ा भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप रात को दुकान बंद करके मशीन बंद कर दिया, सुबह आके फिर चालू किया, क्योंकि हर एक इसके अंदर जो सामान लगता है फूड ग्रेड रहता है, इसका जो रोटर रहता है प्लास्टिक का भी फूड ग्रेड है, इसका बाउल है ये भी फूड ग्रेड है, इसलिए उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम सबसे पहले इसके अंदर फील करेंगे ये काला खट्टा का फ्लेवर है, शरबत है। इसके अंदर अभी पानी डालना बाकी है, ये शरबत नेचुरल है, इसके अंदर जैसे शरबत के अंदर अभी ये 5 बोतल पानी का मिक्स करना है तभी ये लेवल पे आएगा। तो अभी हम इसके अंदर पहले वाटर मिक्स करेंगे इसके अंदर, फिर मशीन को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, पहले में हमने आपको बताया था शरबत फिल कर रहे, अभी इसके अंदर हमने वाटर भी फिल कर दिया है, अभी ये रेडी हो चुका है और मशीन को भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी ये 2 नंबर के सेटिंग के ऊपर सेट किया है, आप इसको कैसे भी सेट कर सकते हो, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, मैक्सिमम आप इसको 7 या 8 नंबर तक कर सकते हो, लेकिन बेस्ट क्वालिटी आपको चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो आप 2 से लेकर 5 के बीच में इसको रख सकते हो। अभी हम 2 के सेटिंग पे इसको रखते हैं, इसको भी 2 के सेटिंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्विच का बटन है लाइट, अगर इसके अंदर आपको लाइट करना है डेकोरेशन के लिए, रात को दिखावे के लिए लाइट करना है, रात को लोग देखने आए क्या चीज लगाए आपके यहाँ पे, क्या मशीन लगाए आपने, तो उसके लिए लाइट भी दिया गया है। ये लाइट का स्विच है यहाँ पे, जिससे लाइट चालू हुआ। अब ये दूसरा स्विच है लाइट का, दोनों का लाइट हमने चालू कर दिया। अभी यहाँ पे इनकी लाइट स्टार्ट है, इसलिए आपको दिखेगी नहीं, हम लाइट बंद करके आपको बताते हैं। ये लाइट बंद कर दो, देखिए इसको, इसका डेकोरेट कीजिए, देखिए आप, अभी हम लाइट बंद कर देंगे, देखिए ये तो नहीं चलता, ये देखिए इसका अट्रैक्शन देखिए, लुक देखिए आप पूरी मशीन का, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। अभी हमने मशीन चालू कर दिया, विद इन 30-40 मिनट्स के अंदर तो इसका आइस बन जाएगा, पूरा स्लस बना देगी। अब मशीन में लगाने के बाद 30 मिनट्स के अंदर कस्टमर को सर्व करना है, चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे सर्व करना। अभी इसको हम थोड़े 20-25-30 मिनट के बाद पूरा आइस बन जाने के बाद आपके सामने आएंगे दोबारा, ठीक है। अभी इसमें पूरा आइस बन गया है, 35 मिनट्स के बाद हम आए अपनी वीडियो लेके, पूरा आप देख सकते हो पूरा दोनों बाउल में आइस जम गया है पूरा तेल जल्दी। ये जो गुलाब का फ्लेवर है और काला खट्टा का है, हम आपको दिखाएंगे नजदीक से, देखिए जरा यहाँ पे इसका पूरा सीट देखिए, यहाँ पे पूरा आइस वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा स्नो है पूरा, जितनी ज्यादा देर चलेगा उतना इसका स्नो हार्ड हो जाएगा, जितना आप सेटिंग करेंगे वो हिसाब से पूरा उसको हार्ड हो जाएगा। अभी तो ये 35 मिनट चला है, जैसे जैसे टाइम चलेगा वो हार्ड होता जाएगा धीरे धीरे। इसको भी देखिए आप, काला खट्टा फ्लेवर को भी, इसमें भी स्नो बन गया है पूरा। यहाँ पे इसका सेटिंग दिया गया है, आपको जितना हार्ड करना है, अगर हार्ड करना है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 9 है यहाँ तक रखो, अगर थोड़ा स्मूथ करना है तो और कम करिए, 7 करिए, 6 करिए, 5 करिए, 3 करिए, तो उसे स्मूथ रहेगा ना, जिसे प्लस करेंगे उतना हार्ड रहेगा मटेरियल, जितना प्लस करेंगे उतना हार्ड रहेगा। हम अभी आपको थोड़ा सर्व करके बताएंगे इसको, देखिए गुलाब का फ्लेवर निकालेंगे पहले, देखिए
ये पूरा स्नो है इसके अंदर, आप देखिए इसके अंदर पूरा स्नो आ रहा है, देखिए आप देखिए। अभी तो पूरा वो हार्ड हो जाएगा पूरा, जितना ज्यादा देर चालू रहेगा उतना हार्डनेस ज्यादा मिलेगा इसके अंदर। उसी अनुसार से हम इसको काला कट्टा भी आपको निकाल के बताएंगे साफ करके, देखिए इसका भी आप स्नो देखिए पूरा। देखिए ये पूरा स्नो है, देख सकते हो पूरा। ये क्लियरली हार्ड होने के बाद पूरा अपने जैसे बर्फ का छोल से जैसे गोला बनाते हैं, लेकिन वो आइसक्रीम थोड़ा हार्ड देता है, पूरा स्मूथ हल्का रहेगा पूरा, मुंह में डालने के बाद पिघल जाएगा पूरा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मशीन है। हमने आपकी आज आपको इसको पूरी डिटेल दी है कैसे ऑपरेट होता है, इसका थोड़ा पीछे का बैक लुक भी आपको दिखाएंगे किस टाइप का लुक है पूरा इसका। आज ये साइड लुक है, बैक लुक, बैक साइड लुक है इसका, ये साइड लुक है पूरा। इसका बैक लुक है पूरा, पीछे की साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट का कनेक्शन दिया गया है, इसको आप खोल भी सकते हो, इसे पोर्टेबल है पूरा, इसे निकल जाएगा। अगर आपको कुछ साफ सुथ सफाई करना है तो इसको आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, ऑल डिजिटल फंक्शन है, ऑटो कटआउट सिस्टम है, पावर सेवर सिस्टम है, हर एक चीज फंक्शन इसके अंदर दी गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है आज की तारीख में, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, ज्यादा इंक्वायरी लेनी है प्रोडक्ट के बारे में, क्या प्राइस है, कैसे डिलीवरी है, कैसे फिटिंग होगी, सब जानकारी चाहिए, आप हमारी कंपनी का नंबर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नंबर है 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298। सेल्स टीम का नंबर है, मंडे से लेकर सैटरडे तक शाम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारी टीम ओपन रहती है। आपको हम फोन करके कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स हमारे से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे को आपको रोज नई प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।